हेलो दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, जैसे कि रेगुलर और डायरेक्ट में आखिर दोनों में क्या अंतर होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आखिर आपको किसके थ्रू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रेगुलर के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ कमीशन देनी होती है अपने एजेंट को, क्योंकि अगर आप रेगुलर के थ्रू जा रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप वहाँ पर एक एजेंट को बाय कर रहे हैं और आप जो भी पैसा आपका लगेगा और उससे जो भी कमाई होगी आपको सालाना आपको अपने एजेंट को देनी होती है। तो इस वजह से आपको रेगुलर में जो अमाउंट है वो कम मिलती है डायरेक्ट के मुकाबले। और जो कि आप म्यूचुअल फंड की यूनिट को आप डायरेक्ट के थ्रू खरीदते हैं, तो कहने का मतलब है, डायरेक्ट का मतलब होता है कि आप जिस म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी आप यूनिट डायरेक्ट ही बाय कर रहे हैं और आपके बीच में कोई भी एजेंट वगैरह नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आपको वहां पर अधिक प्रॉफिट मिलेगा और आपको अपने एजेंट को यहां पर पैसा भी पे करना नहीं होगा। तो वो किस तरीके से होता है और इसमें एक्चुअली में क्या क्या अंतर है वो चलिए हम जान लेते हैं। क्योंकि अगर आप जो कि म्यूचुअल फंड जैसे कि SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है, और यहाँ पर देखने को मिल जाता है SBI कंट्रोल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जो कि अलग अलग नाम से यहाँ पर जैसे कि एक में डायरेक्ट आ रहा है और एक में रेगुलर आ रहा है, ठीक है, पर जो पैसा है वो एक ही कंपनी में जाएगा और एक ही तरीके से काम करेगा। सिर्फ वहाँ पर अंतर पड़ जाता है एजेंट का। अब वो एजेंट के पास कितना पैसा जाता है वो चलिए हम अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर देख लेते हैं किस तरीके से जाता है। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, मैंने यहां पर सर्च बार में लिख दिया है SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है, मैंने यहां पर लिखकर इसे सिंपली सर्च कर दिया है। सर्च करने के बाद में यहां पर हमें देखने को मिल गया है SBI कंट्रोल फंड ग्रोथ, ठीक है। यहां पर आप ये भी देख सकते हैं जो कि इसकी NAV यहां पर और यहां पर एक ही है, ठीक है। तो चलिए मैं इससे इस वेबसाइट को यहां पर ओपन कर लेता हूं क्योंकि इसमें समझाने में थोड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। तो अभी आप यहां पर देख सकते हैं ये है, ठीक है, काफ़ी लोग इस चीज़ को यहाँ पर इन बातों को यहाँ पर गौर नहीं करते हैं, जैसे कि NAV, ठीक है। NAV क्या होती है, जो कि हम यहाँ पर NAV यानी कि यूनिट को बाय करते हैं उन्हीं को ही NAV बोलते हैं। NAV की फुल फॉर्म है नेट एसेस वैल्यू, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को भी मिल रही है नेट एसेस वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर जो इसकी NAV है वो है 2024 में यानी कि 20 सितंबर को यहाँ पर अपडेट हुई है और इसकी जो NAV का प्राइस है वो है 400.55 पैसे एक NAV यानी कि एक यूनिट, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है रिटर्न, ठीक है, कि इसने रिटर्न कितना कितना यहाँ पर दिया है 1 ईयर में, 3 ईयर में, और ये आपको मैं आपको नीचे अभी ले जाकर बताऊंगा, तब आपको यहाँ पर और भी बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फंड साइज, ठीक है, जो कि यहाँ पर देखने को मिल जाता है 21,25,000, 10,000, ठीक है, यानी कि 39,432.5 करोड़ रुपए का इसमें आज की डेट में फंड साइज है, ठीक है, ये बहुत बड़ा हो गया। और इसका बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है एक्सपेंसेस रेट, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये इसमें ये अंतर होता है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 1.51%, ठीक है, ये रेगुलर प्लान है, ठीक है। और आपको यहाँ पर मिल जाता है एग्जिट लोड, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर आप SBI कंट्रोल फंड यानी कि अगर आप 1 साल से पैसे को पहले निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा, ठीक है, कहने का मतलब है 1% का आपको चार्ज लग जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट में लेके चलता हूँ तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा एक्सपेंसेस रेट, जो कि आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगा उसमें, ठीक है, और इसी का ही यहाँ पर एक अंतर होता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट में ले आता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं SBI कंट्रोल और डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके लेके चलता हूँ, इसका फंड का साइज कितना है और कैसा क्या क्या होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं फंड साइज 39,432.5, कहने का मतलब है फंड का जो साइज है वो एक ही है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है वो एक ही है, पर अगर आप रेगुलर के थ्रू जाते हैं तो आपको वहां पर एक एजेंट को बाय करना होता है
और वो एजेंट आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा, वो यूनिट आपको खरीद के देगा, और ऐसे में वो कंपनी है जो एजेंट है, ठीक है, उसे वहां पर कुछ कमीशन देगी, ठीक है। अब वो कमीशन किस तरीके से देगी मैं आपको चलिए यहां पर बता देता हूं। जैसे कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है एक्सपेंसेस रेट, ठीक है, आपको वहां पर कितना देखने को मिल रहा था, जैसे कि यह है 51, यानी कि 1.51 देखने को मिल रहा है आपको ये, ठीक है, 1.51 देखने को मिल रहा है, और यहां पर आपको कितना देखने को मिल रहा है 0.56। तो कहने का मतलब है कि यहां पर आपको 95 पैसे आपको बढ़ती देने पड़ रहे हैं, जो कि रेगुलर में, और डायरेक्ट में आपको यहां पर कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जो बाकी की जो अमाउंट आपको यहां पर जो रेगुलर में दिखा रहा है, उसी हिसाब से जो कमीशन है आपके एजेंट के पास पहुंच जाती है, ठीक है। तो यही इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है, इसी का ही यहां पर पूरा चक्कर होता है ये, ठीक है। अगर आप बैंक में जाते हैं तो बैंक मैनेजर है वो आपको डायरेक्ट रेगुलर ही प्लान दिखाएगा और आपको डायरेक्ट प्लान नहीं दिखाएगा, क्योंकि जो हम बैंक के थ्रू करते हैं तो वहां पर वो रेगुलर प्लान दिखाते हैं, तो वो इसी तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि इनमें जो एक्सपेंसेस रेट है वो अधिक होता है, और यही इसी से ही कटकर, कहने का मतलब है जिस कंपनी को हम डायरेक्ट उससे यूनिट को बाय करेंगे तो वो हमें वहाँ पर छूट देगी, और इसी के साथ में हम किसी एजेंट के द्वारा जाएंगे तो वो एजेंट तो वहाँ पर कुछ कमाएगा कि नहीं कमाएगा, ठीक है। तो वो पैसा हम यहाँ पर नहीं देते हैं, वो कंपनी उसे देती है, और उसी का ही जो पैसा होता है वो यहाँ पर बढ़कर लग जाता है एक्सपेंसेस रेट, ठीक है। क्योंकि ये पैसा आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो कंपनी है वो आपसे यहाँ पर एक सिक्योरिटी चार्ज ले रही है, कहने का मतलब है सिक्योरिटी चार्ज ले रही है, ठीक है। अब यहाँ पर वो कितना ले रही है ये इसके ऊपर निर्भर करता है, अगर आप एजेंट के द्वारा जाएंगे तो वो आपसे ज़्यादा लेगी, और इसी के साथ में अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो वो आपसे कम लेगी, क्योंकि बीच में कोई थर्ड व्यक्ति ही नहीं होगा, तो कहने का मतलब है तो वो आपसे कम ले लेगा, अगर कोई थर्ड व्यक्ति होगा तो उसे भी कंपनी को देना पड़ेगा, तो इसीलिए वो आपको वहाँ पर ज़्यादा महंगी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यानी कि जो एग्जिट लोड है वो 1 साल के अगर भीतर निकालते हैं तब आपको यहाँ पर 1% आपको एग्जिट लोड देना होगा, और आप 1 साल के बाद निकालते हैं तब आपको कोई एग्जिट लोड देना नहीं होता है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम जो इन्वेस्ट है वो आप इसमें 5,000 से कर सकते हैं, लमसम यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और आप इसमें 500 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP शुरू कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो म्यूचुअल फंड है वो दो नामों से है, कहने का मतलब है, और जो पैसा आपका जा रहा है वो एक ही ठिया जा रहा है, और उसके अलावा जो पैसा है वो एक ही तरह काम करेगा। अगर आप जब इस पैसे को विड्रॉल करेंगे, ठीक है, तो कहने का मतलब है जो डायरेक्ट के थ्रू आएगा वो पैसा आपका बढ़ती आएगा, क्योंकि वो एजेंट को नहीं दिया हुआ होगा उसमें से, और आप रेगुलर के थ्रू हैं और उसके बाद में आप पैसे को विड्रॉल करते हैं तो वहाँ पर आपको जो कुछ कमीशन है वो एजेंट के पास पहुँच जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप इतना तो समझ गए कि आखिर रेगुलर में और डायरेक्ट में एक्चुअली में अंतर कब आता है। तो मैं आपको बता दूं अब आपको रेगुलर में कब पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको डायरेक्ट में पैसों को कब इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए, अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं तो आपको अपने रेगुलर में ही पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप जान जाते हैं फिर उसके बाद में आप उस पैसे को निकाल कर और उसके बाद में डायरेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो खुद से आप यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं और आपको जानकारी उस चीज़ के बारे में है नहीं। अगर आपको जानकारी नहीं है तब आप रेगुलर के ही थ्रू जाएं, एजेंट के ही थ्रू जाएं और 1 साल उसमें रहने दें, उसके बाद में उस पैसे को आप डायरेक्ट में स्विच कर दें। स्विच करने का ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आप ऑफलाइन करते हैं जैसे कि बैंक के द्वारा, तो आप बैंक के द्वारा भी आप डायरेक्ट, कहने का मतलब आपको जानकारी होनी ही चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।